सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित गांव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौरा किया और राहत की सामग्री बांटी। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नादिर सलाम के अगुवाई में कांग्रेसियों का दल इटावा विधानसभा क्षेत्र के सिसई गांव पहुंचा और लोगों की परेशानियों से रूबरू हुआ। राप्ती नदी के किनारे इस गांव में बाढ़ ने काफी तबाही मचा रखी है। गांव के चारों तरफ पानी भरने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। बाढ़ पीड़ित इस गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन के किए गए सारे काम नाकाफी हैं। उनके गांव में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। अभी पहली बार कांग्रेस नेता नादिर सलाम की टीम यहां आई है। नहीं नहीं, कहां से ला रहे हैं आप? बलेसर से। आपको कितना दूर जाना है यहाँ से? करीब 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। पानी भी सब पानी है यहाँ से लेकर भरविया तक का पानी है। कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई नहीं, कुछ नहीं। पानी में देख लो, मोटरसाइकिल वहाँ गाड़ी सीज हो गई, पानी हल गया, उसमें सलंसर में खड़ी कर दिए। मतलब कोई सुनने वाला नहीं आप लोग की? कोई नहीं, क्या सुना था, काम लगे दुनिया मिला था अपने अपने पर। मैं डॉक्टर नादिर सलाम, जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष सिद्धार्थनगर। मैं यहाँ ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पर सिखुई में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, सिसई में इस वक्त खड़ा हूँ, और सिसई से मुझे व्यव मुस्तहकम तक जाना था। यहाँ पर स्टीमर खड़ी हुई है, स्टीमर वाले से मैंने पूछा कि भैया यहाँ पर हमें राहत सामग्री वगैरह लेके आया हूँ, और ये राहत सामग्री मैं गांव में जहाँ पर बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वहाँ देना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि ये जो है SDM साहब और तहसीलदार साहब ने मना किया है, यानी कि तुगलकी फरमान से बेचारे ये भी आहत हैं, और ये कह रहे भैया मैं तो सिर्फ एक एम्प्लाई हूँ, मैं इसको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है उसने और जो शासन प्रशासन है उसने मना कर रखा है कि ये सिर्फ मेरी सुविधा के लिए है, ये गांव से जो पीड़ित लोग हैं ये इनकी सुविधा के लिए नहीं है। तो आज आप लोग देख लीजिए इनकी हालत कि ये सिर्फ कागजों में चलते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने SDM साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि स्टीमर की व्यवस्था नहीं है, एक स्टीमर की व्यवस्था है, उससे मंत्री जी चलेंगे, SDM साहब चलेंगे, DM साहब चलेंगे, यहाँ की जनता नहीं चलेगी, जो कि पूरी तरीके से उसको लाभ लेने के लिए इसको लाया गया है, और वो लाभ जनता नहीं ले पाएगी, उसको जो है यहाँ के शासन प्रशासन लेंगे और मंत्री जी लेंगे सिर्फ। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मैं यहाँ पर राहत सामग्री देने के लिए आया था, जो मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मैंने सोचा यहाँ सिखुई में मैं सिसई में कुछ राहत सामग्री मैंने अपने असर से बांटा, उसके बाद इसके अंदर का जो गांव है जो काफी डूबा हुआ है वहां पर भी मैं जाना चाह रहा था, लेकिन वहां हम पैदल नहीं जा सकते हैं, हमने अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ा कर दी है, वहां से हम लोग 1 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, यहां से हमको जो मुस्तहकम जाना है लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है, और 4 किलोमीटर यानी कमर से ऊपर तक का पानी, कहीं सीने तक का पानी, कहीं पूरा पानी है, बिना स्टीमर के नहीं जा सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं जाने की है। तो इसीलिए हमने इनसे मांग किया कि भैया हम इस जनता के लिए जो हमसे हो सकता है उसके लिए हम राहत सामग्री लाए हुए हैं, आप हमको ले चलिए जिससे हम उनको पहुंचा सके। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया ये SDM साहब ने मना किया है, ये SDM साहब जब कहेंगे तब मैं जाऊंगा, मंत्री जी का दौरा किसी वक्त पड़ सकता है, इसीलिए हम मुस्तैद खड़े हैं सिर्फ मंत्री जी को ले जाने के लिए, इससे आम जनता नहीं जा सकती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।